जिस तरह अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस तरह तरह के अभियान चला रही है, वहीं आजमगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आम लोगों के साथ साथ अब नेताओं को भी धमकियां दी जा रही हैं। जहां सपा नेत्री सपना निषाद की हत्या करने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत सिधारी थाना में की गई, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के जाफरपुर निवासी सपा नेत्री सपना निषाद के मोहल्ले में कुछ मनबड़ और अपराधी किस्म के लोगों का विवाद हो रहा था, जिससे सपा नेत्री ने सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते विवाद को रोकने का प्रयास किया, तो उल्टा सपा नेत्री को ही जान से मारने की धमकी दे दी, जिसके चलते सपा नेत्री सपना निषाद ने अपनी शिकायत स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। समस्या हमको ये है कि कुछ दिन से हमको होली के दिन से ही हमको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, काफ़ी परेशान कर रहे हैं, तो हम होली के दिन से जो है अपना बयान जो है और लिख करके यहाँ पे दिए थे और एक दरख्वास्त भी डाले थे थाने पर, तो हमारी कार्रवाई हुई, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन वहाँ पे पता चला कि कोई एक सानी नाम का कोई है पुलिस वाला है कि क्या है, वो हमारा कागज़ हमेशा दबाता रहता है, उसके बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं। मैं 1076 पे कॉल की, वहाँ से फिर हमारा सुनवाई हुआ और लोग आए और हमारा कार्रवाई शुरू हुआ, ले गए उनको पकड़ने के बजाय, हमें लोग पकड़ के ले गए, हमारे भाई को लोग पकड़ के ले गए, हम लोगों को बंद करे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जो है आज फिर समय वही आ गया है, कुछ लोग हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, उनका नाम बड़का छोटका नाम से वो लोग वाकिफ हैं और वह लोग हमको जान से मारने की शाम तक धमकी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ मंडल के थाना कप्तानगंज के अंतर्गत तेरी बलवरगंज में निर्माण अधीन 4 लेन 233 का मुआवजा न मिलने पर सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों और भू स्वामियों के बीच झड़प के बाद उपजे विवाद ने तनाव पैदा कर दिया है, लिहाजा विवाद के बाद सड़क का निर्माण कार्य फिलहाल ठप कर कर्मचारियों को वापस जाना पड़ा है। रात के समय में हो रहे सड़क निर्माण कार्य का विरोध करने वाले भू स्वामियों ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार के कहने पर थाने की पुलिस ने इनके मकानों में जबरदस्ती घुसकर न केवल तोड़फोड़ की है बल्कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने जैसी घटना को भी अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक में कई गरीबों को राशन कार्ड मिलने के बावजूद भी राशन नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गरीबों को राशन देने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पर बुधवार को पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि पलहनी ब्लॉक में कई गरीबों को कई महीनों से राशन नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने सप्लाई विभाग के अधिकारियों और इंस्पेक्टर से की, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी सरकार को धोखा देने में लगे हुए हैं, यही नहीं अधिकारी फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझ रहे। आज तमाम लगभग मुझे 10-15 दिनों से जिला पूर्ति कार्यालय के खिलाफ तमाम शिकायतें मिल रही थी। जनहित में हमारा कर्तव्य है कि जनहित के कार्य को करना, क्योंकि हम उनके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इसी संदर्भ को लेकर मैं लगभग 10 दिनों से जिला पूर्ति अधिकारी और इंस्पेक्टर शिव शंकर यादव से लगातार वार्ता करने की कोशिश कर रहा था। पूरी सरकार अधिकारी को विश्वास करती है, लेकिन लगातार ये अधिकारी जो है इस सरकार को धोखा देने में लगे हुए, ऐसा नहीं चलेगा। इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय से की है कि जब हमारे फोन, हमारे मैसेज, हमारे व्हाट्सएप का जवाब ये जिला पूर्ति कार्यालय नहीं दे रहा, तो आम जनता की क्या सुनता हूँ। शासन उन्होंने दिया है कि मैं ये पूरी जांच कराऊंगा, और मैंने कहा है कि इस लॉकडाउन में भी जनता की अनदेखी नहीं होने दूंगा, यदि जनता उत्पीड़ित होगी, उत्पीड़न होगी, तो हम लगातार प्रदर्शन करेंगे, उनके खिलाफ हर वो कार्य करेंगे जिससे उनको न्याय मिले।